वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंदसमन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितम् श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समायुक्तम वृंदावन मनोहर वाछाकलपतरुवश कृपा सिंधुभ्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम् वृंदावन तुलसीदेव वै पिया वै केशव कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्वत्वै नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीय पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमदाक्ष जगोद्वरुन धैयम् सदा परिभवन्न भविष्यदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरंचनुतम् शरण्यं भीतातिहं पनुतपाल भवाद्विभूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपोवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा किमां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्याद्वैत गदाधर शिव सदिहि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदिहि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकेतनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणो प्रियमनंगो मदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजस्वदने लक्ष्मीर्जस्व च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संविहितं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Ram Ram Hare Hare. Ishvarah sarvabhutanam hridyase arjuna tishtati brahmayam sarvabhutani yantarurani mayaya. Ishvarah sarvabhutanam hridyase arjuna tishtati Brahmayan sarvabhutani jantrarudani mayaya. Gaudiya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagat Guru Ji ne bataye Guru Charan mein sampurna rup se sarnagat hona jaruri hai. गुरु चरण में संपूर्ण रूप से शरणागत नहीं होने के कारण जीवन जिंदगी में भगवत प्राप्ति असंभव है. गुरु चरण में पूर्ण शरणागति नहीं होने के कारण भगवत प्राप्ति असंभव है. ये निश्चित रूप से जानना जरूरी है. हम लोग सोचते रहते हैं गुरुजी से दीक्षा ले लिया और क्या चीज है. ठीक है, हो गया. गुरुजी से दीक्षा मंत्र ले लिया, हो गया, गुरुकरण हो गया. लेकिन रूप गोस्वामी पाद ऐसा नहीं बोला. रूप गोस्वामी पाद रसामृत सिंधु में है बताए अदौ गुरु पदाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम. अदौ गुरु पदाश्रय, आजकल का जमाने में जैसे गुरुकरण हो रहा है इसमें भगवत प्राप्ति तो दूर की बात है. किसी भी हालत से तत्व ज्ञान थोड़ा सा भी प्राप्ति करना संभव नहीं, संभव नहीं. गुरु की कृपा के बिना तत्व ज्ञान लाभ करना संभव नहीं है. हो सके कि किसी का अंदर में बहुत पावर है, पावर मतलब उसका मेमोरी पावर ज़्यादा है, पूरा तमाम शास्त्रों को मुखस्त कर लिया बाजार में बोल के पैसा कमाने के लिए. लेकिन पूरा शास्त्रों का जो निचोर है, शास्त्रों का जो डाइजेशन है, हजम एकमात्र गुरु वैष्णव कृपा के अलावा ये हो ही नहीं सकता. शास्त्रों को मुखस्त करना, शास्त्रों का अनुभव, शास्त्रों का पूरा विचार अनुभव में लाना, दोनों एक बात नहीं है. जितना परिमाण में गुरुचरण में शरणागति हुआ है उतना परिमाण में हमारा परसेंटेज में हमारा सुविधा हो पाएगा. जितना परिमाण में गुरुचरण में शरणागति हुआ है जितना परसेंटेज में, अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ शरणागति यू कैन गेट बेनिफिट. और संपूर्ण रियलाइजेशन संभव तभी है जब एवं गुरु प्रसन्नैक भक्त्या विद्या कुठरेन सितेन धीर विवृष्य जीवा स्वयमयम अप्रमत्त संविष्य आत्मनम. जो श्लोक हमने बताते रहते हैं अथो तैज्यस्तम. जितना परिमाण में कपटता प्रदर्शन किया, जितना परसेंटेज में कपट भाव प्रदर्शन किया गुरु वैष्णव चरण में, उतना परसेंटेज में हमारा नुकसान है, भारी नुकसान. क्योंकि जड़ जगत का जो अभिनिवेश है, टेंशन है, ये जड़ अभिनिवेश से कौन बचाएगा. पहला क्वेश्चन तो ये है, जो हमारा जो मटेरियल अभिनिवेश है करोड़ों जन्मों में, करोड़ों करोड़ों जन्मों हमारा बीत गया है और ये जड़ अभिनिवेश जो है मटेरियल अटेंशन एंजॉयिंग मूड कभी हट नहीं रहा किसी भी हालत से, हटना संभव भी नहीं.
और ये जो जड़ अभिनिवेश है, जड़ अभिनिवेश से कौन बचाएगा? एक गुरु वैष्णव छोड़ के कोई बचाने वाला तो है नहीं। हमारा सन्मुख में जो मौत बोल के चीज खड़ा हुआ है, इससे कौन बचाएगा? ये सोचना जरूरी है। जो चर्चा हो रहा था इसमें तमाम तत्व ज्ञान प्राप्ति करने का बाद जो अनुभव है, ये अनुभव का विषय है। जब भी जो श्लोक देके शुरुआत किया है वो तो एकदम अंतिम में, एकदम अंतिम में, अंतिम मतलब 18 अध्याय का, फिर भी जरूरी है इधर ये समझना जरूरी है। क्योंकि जो चर्चा पिछले दिनों में हो चुका है इसमें एक बात आया था, प्रणव सर्ववेदीषु शब्द खे पौरुषम निशु, प्रणव सर्ववेदेशु सर्ववेद तमाम वेद का निचोर है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म मंत्र है, ये तमाम शक्ति इसी में है, अक्षर ब्रह्म। खर एवं अक्षर दो शब्द आता है, अक्षर मतलब जिसका अविनाशी है, सनातन नित्य अव्यय, अव्यय मतलब व्यय नहीं है, अव्यय। सो ये प्रणव है एकाक्षर ब्रह्म मंत्र, प्रणव सर्ववेदेशु सर्ववेद का निचोर जो है ओम, इसी से तमाम प्रकाश हुआ है। शब्द खे के मैंने आसमान, आसमान का गुण है शब्द, और पौरुषम निशु ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसका बारे में भी बहुत चर्चा भी हो गया, फिर भी पौरुषम निशु देहधारी जीव में जो कर्तापन है, मैंने किया, पौरुषण एक प्रभाव, एक ये जो करने का हिम्मत है पौरुष, ये है फॉल्सिबो। क्योंकि अभी ये श्लोक जो चर्चा किया इस ये अनुभव का बाद ये पता चलता है, जब मैं कुछ भी नहीं हूं, जो सेवन चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षा किया, आई एम नथिंग, हमारा क्या एग्जिस्टेंस है, क्या हमारा कुछ है, हमारा परिचय देने का कोई परिचय ही नहीं है, क्या परिचय है हमारा, जो भी परिचय देंगे वो मटेरियल जगत से परिचय देंगे, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा घर, मेरा पैसा, ये तो परिचय देने का, वास्तव परिचय देने का, परिचय देने का हिम्मत ही नहीं है मेरा पास, वास्तव परिचय देने का हिम्मत ही नहीं है मुझ में, कोई हिम्मत ही नहीं है। क्योंकि अगर परिचय जड़ जगत का है तो सनातन गोस्वामी पाद का जो ये प्रश्न है के आमी कहने मोरे जारे तपत्र है, ये तो फजूल हो जाएगा। अगर जड़ जगत का परिचय है, जर जगत का परिचय तो है ही है, तो फिर भी सनातन गोस्वामी पूछ रहा है के आमी कहने मोरे जारो तो बहुत है। क्यों? क्योंकि आम जनता में किसी भी हालत से कर्तापन को मिटाना संभव नहीं है। कभी भी कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई महाराज को बुला रहा है, कुछ कर रहा है, उसका पीछे भी देखो एक गंदगी है प्रतिष्ठा का। कोई धर्मीय अनुष्ठान, हम तो जलसा बोलते हैं क्योंकि उसमें ऑर्केस्ट्रा भी चलते हैं, सब चलते हैं, तो जलसा बोलना ठीक है। ये जलसा बोलना जो नाटक का माफिक आएगा कोई कीर्तन करे, अनुभव तो कुछ है नहीं। जब भी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने गीता का व्याख्या करके सिखाया, एक सीखने का कौन है,
सीखने का इच्छा तो है नहीं। तमाम स्पिरिचुअल अनुष्ठान है इसमें नेट आउट, व्हाट इज द नेट आउटकम, हमने जो भंडारा किया, हमने जो हरि अनुष्ठान के सब किया, इसका पीछे नेट आउटकम क्या है, हमारा बेनिफिट क्या हुआ, ये तो सोचना जरूरी है। जो सोचता नहीं तो गाधा है। हम जो इतना परिश्रम किया उसमें मेरा क्या, हमारा स्पिरिचुअल बेनिफिट क्या है, रियलाइजेशन का क्या तरक्की हुआ कि नहीं, ये बात सोचता नहीं। क्यों? पौरुष है, पौरुषम निशु, आदमियों ये पुरुष भाव है, पौरुष भाव है, पुरुषाकार। दुर्योधन बोल रहा है एक बूंद, एक सुई का ऊपर, ये सुई का ऊपर एक दाना, मिट्टी का टुकड़ा अगर आए दाना, ये भी मैं बिना युद्ध देने वाला नहीं हूं। समझा मेरा, यही तो पौरुष है। अपना बल भरोसा पर आस्था रख के ताल ठोक के बात बोलना, यही तो पुरुष है, पौरुषाकार। पुरुषाकार तो इसी के हो, पौरुष। लेकिन आदमी जानते नहीं ये कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं मेरा क्या कीमत है, मेरा तो कुछ कीमत है ही नहीं, क्या कीमत है। अभी चल दे तो काल दो दिन हो जाएगा, महाराज चला गया दो दिन हो गया, यही तो हिसाब बैठता है। लेकिन फिर भी पौरुष, भगवान बोलता है असली बात तो मैं हूं, उसका कर्मफल के अनुसार मैं उसको लगाता हूं, और वो सोचता है कि मेरा पौरुष है। और भगवान कहते कि निशु पौरुषम निशु, सब मैं हूं। और इस बात का तो श्लोक का तो चर्चा बाद में हो पाएगा, 18 अध्याय का। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हर घट घट में भगवान बैठा हुआ है परमात्मा के रूप में, और बैठ के भ्रामयन सर्वभूतानि जंतारूराणी माया, हर घट घट में भगवान बैठा हुआ है। जो जीव जैसा कर्म करता है उसका अनुरूप फल दान करते रहते हैं, और ये पूर्व कर्म संस्कार के अनुसार जो उसका अंदर में जो कर्म करने का वासना है ये भी जागृत होता है माया देवी के द्वारा, नॉट डायरेक्टली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एवरीथिंग डन बाय भगवान। सच्चा कहो तो पेड़ का एक पत्ता भी हिलता नहीं भगवान के इच्छा के अलावा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब सारे। जब भी भगवान कह रहे हैं कि दुनिया में हर वस्तु में मैं घुसा हुआ हूं, फिर भी कह रहे हैं मैं किसी में नहीं हूं, ये भी बात सच्चा है, ये भी बात झूठा नहीं है, ठीक ही है। हर चीजों में भगवान है और किसी चीजों में भगवान नहीं है। क्यों? ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व का एक आश्चर्य अनुभव, विश्वास होना संभव नहीं है। इसीलिए गुरु तत्व दे के शुरुआत किया, क्योंकि गुरु की कृपा, बिना गुरु भवन निधि तरे ही न कोई। गुरु की कृपा के अलावा ये जो तत्व ज्ञान है वो सब मुखस्थ रह जाएगा। बीजम माम सर्वभूतानम विद्धि पार्थो सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मी तेजो तेजस्मी नाहम अहम तेजस्मी नाहम, तेजस्वी गणों में तेज जो है मैं हूँ, बुद्धिमानों में जो बुद्धि है वो मैं हूँ। अर्जुन मेरे को बीज समझना, द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग। काल यहां तक चर्चा हो पाया, बड़ा दुख की बात है, खेत की बात है, कभी कभी ऐसा होता भी है। हरि कथा श्रेयांग से विज्ञानी, गुरुजी बोलते थे हंसते थे, बोले बाबा श्रेयांग से विज्ञानी, अच्छा काम करो, कुछ करने जाओ मंगलदायक, उसमें हजारों हजारों विघ्न आएगा, श्रेयांग से विज्ञानी। इसीलिए गुरुजी बार बार बोलते थे जय गुरुदेव जय प्रभुपाद जय निशिंगदेव, बोलना जरूरी है हर वक्त, भूल जाओगे तो मुश्किल है।
हर वक्त, क्योंकि भक्ति पथ का रास्ते में हर पल पल में बाधा है। ये जो कली है, कली अपना प्लान बना के बैठी हुई बैठा है, किसी भी हालत से किसी को स्टेबिलिटी प्राप्त करने नहीं देंगे। कली का एक चैलेंज है, कली किसी को समझने नहीं देंगे जे ये देख तेरा ये शरीर तेरा नहीं है, ये कुछ भी तेरा नहीं है, कुछ भी तेरा नहीं है, जो कुछ भी तू लिया है ये जगत से लिया है, जो कुछ भी एडुकेशन हो, प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो, सब ये जगत जगत से तू एक कचरा जैसे कौवा है ना, कौवा कौवा जैसे कचरा उठाता है, कचरा उठा के घर में ले जाता है, ऐसे सब कचरा लेके बैठा हुआ है, कचरा इकट्ठा कर रहा है कौवा का मापिक। और जाने का टाइम में ये सब कचरा जो है इधर ही छोड़ के जाना है, लेकिन फायदा ये है कि मन को मलिन करके जगत से जाना है, क्योंकि वो जो कचरा है वो मन को मलिन कर दिया, ये दैट मच प्रॉफिट यू कैन डू, ये नेट लाभ है तुम्हारा, ये लाभ है सबको का, ये लाभ है जो मन को मलिन करके डर्टी करके फिर दूसरा जगह दूसरा जोनी में भेजने का प्रयत्न कर रहे हैं, सब इसी में लगा हुआ है। भोपात कह रहे हैं निरपेक्षो नहीं होने से जो प्रवचन होता है, प्रभुपात कह रहे हैं हम दिखा देंगे, कोई अगर बोले चैलेंज करे हम दिखा देंगे, प्रभुपात कह रहे हैं विदाउट निरपेक्ष भाव जो जितना भी प्रवचन करे कुछ भी करे वो नरक में चला जाएगा, प्रभुपात कह रहे हैं वो नरक पूरा, जो फॉलोअर है जो सुन रहे बोल रहे सारे शास्त्रों का बात है, ऐसा निरपेक्ष होना जरूरी है। जिस प्लेटफॉर्म में अपना बाबा को भी अपना बाप को भी फेंक देना जरूरी है, इतना न्यूट्रल स्टेज में जाना जरूरी है, अपना बेटा भी है उसको फेंक दो, समझा, शिष्य भी है उसको फेंक दो, तमाम दुनिया अगर अगेंस्ट में जाए बस हरी कथा चल रहा है, ठाकुर जी की इच्छा है चले ना, बंद कर दो कर चले जाए, जा मर मरने जा, बंद कर दो। प्रभुपाद जी ने तो यही बताया था ना अंतिम समय में, और कोई मेरा कथा समझ नहीं रहा है, और कोई मेरा कथा ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, और रह के क्या करे, चल दिए जितना ड्यूटी है उतना करो, ठाकुर जी जितना ड्यूटी दिया है उतना करो, बस ठीक है। जीवों का जो अपना जो कर्तापन है, अपना जो जीवों का जो फ्रीडम है, जीवों का जो फ्रीडम है उसका बस ज्यादातर करके अटैक करोगे, ज्यादा दबा डालने का कोशिश करोगे तो ये तुम्हारा तरफ से कर्म हो जाएगा, चाहे गुरु हो। आई बात समझ में? जीवों का जो अपना एक स्वेच्छा है इसका विरुद्ध में जितना प्रेशर डालोगे, दबा डालने का कोशिश, जोर जबरदस्ती करोगे, ये गुरु का पक्ष से एक कर्म हो जाएगा, वो उतना प्रेशर देना जरूरी नहीं। ऑटोमेटिकली हरि कथा सुनते सुनते थोड़ा नियम निष्ठा का बारे में बताओ, अपना कठोर विचार बताओ, उसमें अगर उसका दिल लग गया तो अच्छा है। हर व्यक्ति के अंदर में तो ऐसा भाव नहीं है। बामन गोस्वामी महाराज, तीर्थ गोस्वामी महाराज, कितना प्रेशर हुआ, जिस जगह आदमी जाना भी नहीं चाहे डर के मारे, चारों ओर गिदार घूम रहा है, सारे ओर कोई कुछ नहीं है, इसी जगह महाराज जी, तीर्थ महाराज जी, जो सुवर्ण विहार है, जी सुवर्ण विहार जो है ये तो जंगल, पहले
हर आदमी उपमन्न नहीं है, हर आदमी बामन गोस्वामी महाराज नहीं है, इसीलिए तो रेयर है गुरु वैष्णव। रेयर किस लिए है? इसीलिए तो है गुरु वैष्णव का जो 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 पद है ये कोई दिखावा नहीं है, जो कितना हजारों लोग उसका पीछे जा रहा है, कितना क्लैपिंग दे रहा है, कितना व्यूअर्स है, इसका ऊपर तो गुरु वैष्णव का डिजिग्नेशन नहीं है। गुरु वैष्णव का जो गुरु वैष्णव का जो सम्मान है, गुरु वैष्णव का जो पद है, इतना एक्सक्लूसिव पद है, इतना अनोखा उसका स्टेटस है, सिचुएशन है, भगवान ने उसका तो सम्मान दे के ही रखा है, आपका सम्मान का तो जरूरी है नहीं। ये किसी का भरोसा भी नहीं है गुरु वैष्णव, अगर भरोसा करता है तो श्योरली इज नॉट ए वैष्णव। किसी का भरोसे पे चल रहा है तो 100% तैयार कर लो, ये वैष्णव है ही नहीं। आदमी चाहे बोले लाखों करोड़ों आदमी, तो उसमें क्या आता जाता है, निरपक्ष होना जरूरी है। सामान्य प्रतिष्ठा के लिए संप्रदाय का जितना वैभव है, जितना सम्मान है, इज्जत है, सबको बिक्री करने के लिए तैयार है, ऐसा हालत है। कुछ भी हो जाए मेरा प्रतिष्ठा चाहिए, चाहे संप्रदाय से हो जाए, चाहे हमारा मठ सत्यनाश हो जाए, अरे हमको तो पूजा करेगा कम से कम, यही बात है। मेरा कहने का मतलब है ये बुद्धि लेके ये जो विचार कर रहा है इसमें घुसना संभव नहीं है। हर हृदय में भगवान बैठ के उसका कर्मफल का अनुसार उसको घुमा रहा है, भगवान डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो तो अपना कर्मफल का अनुसार जो उसका फल दे रहा है ठाकुर जी, उसका कष्ट जो है उसका कर्म का फल है। गैने प्रयास मुदपाश्च नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता सत्यगताम तनुवान मनोवीर जय प्रायसो अजीतोपि जीतोपि योशी तो स्त्रीलोक्याम। ब्रह्मा जी कह रहे ये तत्व अनुकंपा, कोई बीमार हो गया, कोई साधु कुछ हो गया, बाहर का आदमी अगर हंसी उड़ा है, बामन गोस्वामी महाराज जी अक्सर कहते थे, आदमी प्रश्न करता है अरे इतना भजन करता है तबीयत क्यों खराब हो गया, ऐसा ऐसा बोलता है, बामन गोस्वामी महाराज इसका उत्तर देते थे, भजन का साथ इसका कोई संबंध नहीं है, भजन का साथ इसका कोई बात नहीं है, तो लीला है गुरु वैष्णव का, तो लीला है। भक्तिमय ठाकुर पैरालिटिक पेशेंट का लीला कर रहा है, नरोत्तम ठाकुर पैरालिटिक पेशेंट का लीला कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं तो उसका शरीर जड़ है। भक्तिमय ठाकुर तो ये नाटक दिखाया, जब प्रभुपाद जी ने इतना रोया इतना रोया, आप अगर ऐसा लीला कर रहे हो तो हम कहाँ जाए, कोई तो है नहीं, मेरा एक आदमी भी सहयोग नहीं था। प्रभुपाद जी जो इतना रोया, भक्तिमय ठाकुर कुछ ही दिनों में फिर स्वस्थ लीला किया, कुछ दिनों में फिर स्वस्थ लीला किया, उसके बाद फिर अस्वस्थ लीला किया नरोत्तम ठाकुर। तो ये जो पौरुषम निशु इस बक्का पक्का इन्फॉर्मेशन तो यही है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि मायाया। ईश्वर प्रेरणा का अनुसार ही दुष्ट व्यक्ति जो कर्म करे, प्रेरणा कहाँ से आ रहा है? दुष्ट व्यक्ति का कर्मफल खराब है, दुष्ट कर्मफल का अनुसार उसका दुष्ट कर्म में प्रेरणा, वो भी इनडायरेक्टली भगवान का ही है। ईश्वर प्रेरणा का अनुसार करता है, प्रवृत्ति होता है, जैसे दुर्योधन का बात कई बार कह चुका, जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जनामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, तया ऋषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्त अस्मि तथा करोमि। और हमारा जो सुबह का टाइम में इतना रात को जग कर नहा के बैठ के ब्रह्म गायत्री का जप करना, काम गायत्री सब जो है, ये गायत्री जो है ये इसका साथ ताल्लुकात नहीं है, ये अप्राकृत जगत का जो एक भगवान जो है ये प्रेरणा देने के लिए प्रार्थना, भगवान हमको सही रास्ता पे चलाओ,
अब मेरे को सही रास्ता पे चलाओ, जिस रास्ते पे मैं जाके आपको प्राप्त कर सकूं, आपका सेवा पर, ये प्रेरणा है और कुछ नहीं। और काल यहाँ तक चर्चा हो पाया, बाकी तो समस्या हो गया था कथा। बलम बलवताम अस्मी काम राग विवर्जितम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बलम बलम बलवताम अस्मी, बलवानों में जो बल है वो हर बल है तो इनडायरेक्टली सबका ही। महिषासुर मर्दिनी जो दुर्गा देवी असुर को मार रही है, इसका अंदर में, असुर का अंदर में जो पौरुष है वो तो अलग चीज है, और असुर का अंदर में जो बल है, कंस का अंदर में जो बल है, ये सारे इनडायरेक्टली सब कुछ है, खपखमता। जैसे एक उदाहरण दिया था, स्वर्ग राज्य विजय प्राप्ति करने के बाद देवता लोगों का अंदर में जो अहंकार, गलत फहमी है, जो अपना पावर से स्वर्ग राज्य को छीन लिया असुरों से, ये गलत साबित करने के लिए पर ब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर पहुंचाता स्वर्गों का गेट पे, ये सब चर्चा हो गया था, नया करके जरूरी है नहीं। तो अल्टीमेटली जब इंद्र आया खबर लेने के, अरे सबको ही बेकार हो गया, सबको भेजा, सबके सब बेकार, कोई कुछ खबर नहीं, चलो हम जाते। जब खोद गया तो वहाँ वो जो अद्भुत प्राणी, ये को नहीं देख पाए, अंतोध्यान की और आसमान में देखा उमा देवी, ज्ञानमयी उमा देवी हंस रही है हा हा करके। इंद्रो ने सर उठा के देखा, रही उमा देवी है क्या, क्या बात है। और इंद्रो कहे कि ये कौन है देवी, ये तो समझ लिया उमा देवी है। उमा देवी कहे देखो यही है परात्पर अखिलेश्वर, पर ब्रह्म, ब्रह्म वस्तु, जिसका पावर से तमाम दुनिया चल रहा है, पौरुषम निशु, सबका पावर यही है। और इन्होंने इसका पावर से इन्होंने तुमको विजयलक्ष्मी को दिया है। अच्छा, तुमने जो जय किया है इसका पावर से जय किया है, अपना कुछ नहीं है, ऐसा करके उमा देवी समझाया। तो ये उदाहरण उपनिषद का है, इसमें समझना चाहिए। देखो असुर का अंदर में, कंस का अंदर में, महिषासुर का अंदर में जो कुछ भी पावर है, तो है ही पावर, ये तो पावर है ही है, लेकिन ये पावर जो है, ये भगवान कह रहे हैं कि बलम बलवताम अस्मि काम राग विवर्जितम, ये काम राग विवर्जित जो है ये विभूति है मेरा, बाकी तो इनडायरेक्टली सभी भगवान का ही है, लेकिन विभूति का वर्णन में आए तो बलम बलवताम अस्मि काम राग विवर्जित, उसका अंदर में अगर काम है, उसका अंदर में राग है, अर्थात एट्रैक्टिव वस्तु के लिए आकर्षण है किसी वस्तु में, उसका ऊपर बढ़ते चल रहा है, ये काम क्रोध, ये जो है राग है अनुराग, ये जो है ये विवर्जित जो बल है, ये बल अर्जुन का अंदर में जो बल दिखाई पड़ा, अर्जुन ने खुद स्वीकार किया। जब भगवान अंतध्यान किए कुरुक्षेत्र युद्धों का बाद, बहुत बाद जब प्रवास क्षेत्रों में अंतध्यान किए, अब जब भगवान अंतध्यान किए, अर्जुन बेसहारा महसूस कर रहा है, और जो आदेश किया था मेरा पत्नियों को लेके पहुंचा देना मथुरा, ये सब जो है ये कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि रास्ते में कुछ ट्राइबल्स आदिवासी जो है वो निकल के डंडा से ठंडा कर दिया अर्जुन को। अर्जुन तो हैरान होकर रह गया, अरे मैं तो वो अर्जुन हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मेरा वही कांडी भय सब कुछ है, ये पावर कहाँ चला गया।
इसी बात को खुलासा किया युधिष्ठिर महाराज का सामने। राजन वही अर्जुन है, वही गांडीव है, सब कुछ वही है, लेकिन आज वो कुछ नहीं रहा, सब गया, क्योंकि हम वंचित होकर रह गया। वंचित होकर रह गया युधिष्ठिर महाराज तो प्रश्न करते रह गए, वो तो जवाब देने का हिम्मत ही नहीं है, रोते रोते पागल हो गया। युधिष्ठिर महाराज के एक एक के बाद दूसरा प्रश्न करते चले, क्या तुम्हारा ऐसा हुआ, क्या तुम्हारा ऐसा हुआ, कि यह तो नहीं हुआ। अंतिम में सुना अर्जुन का उक्ति, वंचित अहम राजन, वंचित अहम, वंचित अहम हरिना बंधु रूपिणा, वो मेरा दोस्त हो, ये मेरा बंधु रूपी जो हरि है, ये मेरे को वंचना करके चला गया। हे राजन वंचित अहम हरिना बंधु रूपिणा, हमारा बंधु रूपी दोस्त रूपी जो हरि है, ये मेरे को बेसहारा बनाकर चला गया। अब नहीं, इसमें अर्जुन को डायरेक्ट अनुभव दिलाया भगवान, ये देख इतना जो प्रश्न किया, इतना जो हिम्मत दिखाया, मैं अर्जुन हूं, क्या ये जो दारिका में जो ब्राह्मण है जिसका एक एक लड़का पैदा होने का साथ साथ ही गायब हो जाता, मर जाता, अर्जुन ने ठेका लिया था। जब ब्राह्मण ने बोला देखो यहाँ का प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है, कोई कुछ कर नहीं सका, तुम कहाँ, अरे मैं प्रद्युम्न थरी हूं, मैं अनिरुद्ध थरी हूं, मेरा नाम अर्जुन है। अच्छा आपका नाम अर्जुन है, हमारा नाम अर्जुन है, मेरा ये गांडीव है, चलो हम ठेका ले लिया। ठेका लेकर उसका घर में बस शुरू किया प्रोटेक्शन का काम, तीर लगाकर ऐसा कर दिया कि ये वायु चलने का भी रास्ता नहीं है, और बच्चा पैदा होने के साथ साथ ही गायब हो गया। और ब्राह्मण ने गाली देना शुरू किया, कहाँ का आया हैं, कहाँ का आया, गाली देना शुरू कर दिया। हमने पहले ही बोला जो प्रद्युम्न नहीं किया अर्जुन, जो अनिरुद्ध नहीं किया तो आप करके दिखाओगे। अर्जुन ने वादा किया, प्रतिज्ञा किया, अगर ना कर सके तो हम आग में प्रवेश करेंगे, यही तो प्रतिज्ञा किया ना। अजवा आग आग जलाकर आंख रेडी हो गया, छलंग लगाने के तैयार है, भगवान आके अरेस्ट किया, हे रह जा, क्या हुआ, नहीं हमको छोड़ दो, हमने प्रतिज्ञा करी, नहीं छोड़ो, हम दिखाएंगे बच्चा कहाँ गया, चलो मेरा साथ। भगवान ने अरेस्ट कर लिया, वो चलो मेरा साथ जाके। जब लोकालोक पर्वत पार करके वो भूमा पुरुष का उधर पहुंचा, तो भूमा पुरुष ने प्रणाम किया, बोले ठाकुर जी हमने ये लीला किया इच्छा करके, ये अगर नहीं लाते तो ऐसा नाटक नहीं हो पाता, और आप आपका चरण का कैसे दर्शन होता, नर नारायण दोनों ही हैं, चलो हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि तमाम पावर जो है सब ठाकुर जी का ही है, सब दुनिया जिसका आंखें खुल गया वो आंखें खोल के देख सकता है, ये दुनिया का विचित्र लीला ठाकुर जी का जो है ये सब देख रहा है, हैरान हो के ये पंछियों का कितना कलर है, क्या कुछ है, चारे जंगली जानवर, कितना सारे फूल है, ये कहाँ से हुआ, चांद सितारे सब ठाकुर जी का ही। और इस बीच में मैं खमाखा अपना फॉल्स ईगो के द्वारा अपने को बंधन में डालने का गाधे का मापिक प्रयास प्रचेष्टा में लगा हुआ हूं, इतना ही मेरा पावर है, खमाखा मेरे को अपने को बंधन में डाल रहा हूं, कोई मतलब नहीं, बेमतलब है, किसी का साथ कोई मतलब नहीं। तो बलम बलवताम अस्मी ना बलम बलवता बलम बलम बलवता चाहम काम और राग विवर्जित हम, विभूति में काम राग विवर्जित जो बल है, ये बल जो है ये मेरा बल है। और धर्मा अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मी वर्तर्षभ,
भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कह दिया, शास्त्रों का मुताबिक जो काम है ये खराब नहीं है, जो भगवान का भक्ति का अनुकूल है इसमें कोई खराबी है नहीं, इसमें क्या खराबी है। किसी ब्रह्मचारी ने, किसी व्यक्ति ने, ब्रह्मचारी तो है नहीं वो छागल है, प्रभुपाद जी के सामने बताया, प्रभुपाद जी मैं भी ब्रह्मचारी हूं, शादी नहीं किया आज तक। प्रभुपाद जी ने मुस्कुराते हुए कह दिया, अगर शादी कर नहीं करना ही ब्रह्मचर्य है तो चिड़ियाघर का जो जंगली जानवर है बाघ सिंह, वो तो तुमसे बड़ा जानवर, बड़ा ब्रह्मचारी है। तो अलग अलग रहते हैं। प्रभुपाद जी ने कहे अगर शादी नहीं करना ही ब्रह्मचर्य है तो चिड़ियाघर का जो जंगली जानवर है वो ज्यादा ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य उसका है। तो ये गलत फहमी है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म में विचारण करना। बेस ले लिया लाल सादा नील सब, और लड़की को पीछे में बैठा के चल रहा है स्कूटर में, हम तो चप्पल से पिटाई करेंगे। कोई बोलने वाला नहीं है, चलो सब चलेगा। माताजी को घुमा के लाओ थोड़ा ब्रह्मचारी। बढ़िया है, चलो कितना देखने को मिला। सो ये जो धर्माविरुद्ध काम बहुत सारे चर्चा हुआ प्रभुपाद जी का, राधा दास के बारे में, फिर उसका बाद बहुत सारे चीज वहां याद करके देखना। इसमें किसी संप्रदाय तो है नहीं, संप्रदाय बोल नहीं सकता, एक संस्था बोल सकता, ऑर्गेनाइजेशन, कोर्मी ऑर्गेनाइजेशन, एक्स मिशन वाई मिशन, इसका अंदर में इसका गुरु जो है चेला को भेजा बाहर और बहुत क्लैपिंग मिला। अब वो जो भाषण है वो हम, हमारा गौड़िया मठ में वो तो फेंक देंगे जंजाल में, कचरा में फेंकेंगे। बेसा निश्चित्य करता है कितना क्लैपिंग पड़ता है, उसका मतलब तो ये नहीं उसका कीमत दर है, हैं? इसका मतलब क्या है, कितना लाख व्यूअर्स है, हैं? दुनिया का ये विचार है। तो ये जो है उधर गुरु जो है, गुरु किसी आदमी को पूछ रहा है, यंग आदमी, यंग लड़का, बेटा तैने शादी तो नहीं किया, शादी तो नहीं किया, हाँ शादी तो किया, ए जा हो गया, हरे राम राम राम, बच्चा तो नहीं हुआ, ऐसा करके प्रभुपाद हंस रहे हैं, भक्ति मिनटों का हंस रहा है, मतलब पागल है, पागल है, पागलपंती है, सब झाड़ू लगा कर फेंको, पूरा जंजाल कचरा आ रहा है चारों ओर से, रोकने वाला कोई नहीं है। संप्रदाय का संरक्षण सबसे बड़ा चीज है, वो अगर नहीं कर सके तो महाप्रभु जैसे गाली दिया था ना किसको, वल्लभाचार्यों को, स्वामी नहीं माने तारे बेशा मध्य गुनी, वो तो प्रॉस है, वो प्रॉस है, बेशवा मध्य गुनी, जो स्वामी को नहीं माने तो हमारा अंदर में जो स्वामी है, स्वामी माने रक्षा करता, हमारा नित्यानंद स्वामी है, स्वामी मतलब रक्षा करना, हमारा गुरुवर्ग है, ये लोगों को अगर ना माने तो मैं बिस्सा का अंदर में और क्या परिचय हो सकता। चाहे दुनिया भर का आदमी घर माला देने, महाप्रभु का समय या तो प्रभुपाद का समय, भक्ति विनोद ठाकुर का समय, कभी सुना है जिंदगी में, कभी सुनना है जिंदगी में कि आचार्यों को माताजी आके माला दे रहा है, सुना कभी? आप वीडियो में देखो उसका जय जय का चारों, ये कहाँ का विचार है। प्रभुपाद जी ने दिखाया कि भक्ति में ठाकुर ना, महाप्रभु ने दिखाया, ये सब तो चल रहा है। भगवान ऐसा करके सारे ओर से पूरा सिद्धांत जगत में पूरा अंधेरा छा रहा है। दे आर लेस इंटरेस्टेड अबाउट प्रोटेक्टिंग सिद्धांत विचार,
ये प्रोटेक्शन होने से और मुसीबत है, मेरा पास नहीं चलेगा ना। सो धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये मायावादी संप्रदाय जो एक्स वाई मिशन है, बहुत सेवा दिखाता है, ये तो सेवा तो नहीं है, मानव सेवा, गाधा सेवा, गुरु सेवा, गोमाता का तो चलेगा क्योंकि उसके गो का अंदर में सारे देवता लोग हैं। प्रभात कह रहे कुत्ता का सेवा, बिल्ली का सेवा है, सेवा सेवा ये शब्द हर जगह यूज नहीं होता। गोमाता को भगवान स्वयं सेवा किया क्योंकि गोमाता के अंदर भगवान और देवता लोग सारे हैं, इसे गो सेवा गो माता का। वो भी सुरभि माता का साथ जो कनेक्शन है, वो भी जर्सी गाय नहीं है, देसी गो माता। तो ये धर्म अविरुद्ध काम जो है, क्या शिवास पंडित का लड़का लड़की है, भक्तिविनोद ठाकुर का कितना लड़का लड़की है, बक्केश्वर पंडित का लड़का लड़की है, क्या इसका मतलब ये है कि उसका पूरा खत्म हो गया भक्ति? मायावादी विचार। एक दफे भक्तिविनोद ठाकुर और विमला प्रसाद बच्चा, भक्तिविनोद ठाकुर विमला प्रसाद चलो एक जगह घूम के आए, वो सब चलाकी चल रहे हैं, चल देख के आए, सुना अद्वैत तो सिद्धि हुआ है उसका, भक्तिविनोद ठाकुर ये तो पक्का बातें मैं कह रहा हूं, पूरा इंफॉर्मेशन जो कह रहा हूं मैं 100%। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि विमला प्रसाद को चलो एक जगह घूम के आए, कहाँ जाए बोलो एक जगह अद्वैत तो सिद्धि हुआ है बोल के सुना है, चलो देख के आए, और गया उधर और छुपके से जनता का अंदर में रहा जैसे दर्शक है। भक्तिविनोद ठाकुर एक खड़ा होकर देखते रह गए, अद्वैत सिद्धि हुआ है, नाटकबाजी कर रहा है, एक आदमी पैसा रखा है मैट का नीचे, जल रहा है शरीर, अरे इसको हटा ले, ये कहाँ का विचार है, भगवत का विचार है क्या? अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, पृथ्वी महाराज, ये कोई ऐसा दिखाया? भक्तिविनोद ठाकुर एक सेकंड में पकड़ लिया, बोले चल इधर से, बात यहां से चल जल्दी, ये सब नाटकबाजी हो रहा है, सब चीटर है, धोखेबाज है, सब सब धोखेबाज है, मक्कार, चल इधर से जल्दी चल, ऐसा है विचार। पक्का वैष्णव छोड़ के किसी को भी धोखा देना बहुत इजी है, एक पक्का वैष्णव को धोखा देना संभव नहीं है, संभव इसीलिए तमाम आदमी उसका ऊपर गुस्सा हो जाता है, क्यों? उसको बोका बनाना संभव नहीं। अब बोका बनाना संभव अगर होता तो वो महाराज आप बड़ा आया बहुत आ मला हो गए, मला चढ़ाता, सब कुछ चढ़ाता। एक ही कारण है जो वास्तव गुरु वैष्णव को धोखा देना संभव नहीं है, वो आंखों का सामने पूरा एकदम एक्सरे हो जाता सा तमाम चीज। तो ये धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ, प्राणी का ये जो भक्तिविनोद ठाकुर ने व्याख्या किया, ये धर्म सम्मत काम जो है, अर्थात या तो साधु भी हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, घर गृहस्थी शास्त्रों का मुताबिक आचार निष्ठा पालन करके संतान आदि पैदा हुआ, उसमें क्या खराबी है? दिखाने के लिए ब्रह्मचर्य किया और पीछे में व्यभिचार किया, ये क्या अच्छा है क्या? चलो मठ में चलो व्यभिचार करो, कोई बात नहीं, फिर इनको हमको वोट देना, कुछ भी कर दो तुम, बस इलेक्शन में हमको हाथ हाथ खड़ा कर देना, मैं इसका पक्ष, इसको ही आचार्य बनाओ, बस इतना ही काफी, और कुछ दरकार नहीं। तो बलम बलवतामस्मि काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्ध, धर्मों में जो शास्त्र में लिखा हुआ है उस तो उसका विरुद्ध में नहीं जाना, उसका अनुकूल है, तो अनुकूल काम भगवान कह रहे कि मैं ही हूं, ये विभूति में आता है, विभूति में आता है ना। भक्तिविनोद ठाकुर का संसार, शिवास पंडित का संसार, शिवानंद सेन का संसार, ये क्या आम आदमी का संसार का साथ बराबरी कर सके कोई? भक्तिविनोद ठाकुर का संसार, शिवास पंडित का संसार, ये तो साम, ये तो साधारण संसार नहीं है।
लेकिन आदमी तो आम आदमी को कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं सिद्धांतों के बारे में। सिद्धांत तो सुनना बहुत मुश्किल है, हेडेक हो जाता ना, ये सब विचार दिमाग में आता नहीं, सिर्फ गप हो जाए, थोड़ा गप हो जाए, चुटकी हो जाए, वो मजा है हमारा, ये सब कौन समझेगा। मिनिमम आदमी एक दो तीन चार ये भी होगा नहीं, ये सब समझेगा, थोड़ा बहुत समझ सकता है जिसके अंदर में कृपा है। समझा मेरा बात? तो भक्तिविनोद ठाकुर का जो संसार है शिवास पंडित, ये संसार भगवान का संसार है, किसने संसार, ये साधारण आदमी का संसार का साथ बराबर नहीं है। जे चोइबो सत्तिका भावा राजोसास राजोसाहास तमसश्चा तमसश्च जे मत्त एवेति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते मई। हम सर्वभूत में हैं फिर भी किसी जगह पे नहीं है, जो चतुश्लोक के भूत में आता है ना, वो तो वही तो एक ही तो आता है। जे चैवो सात्विका भावा राजसहा तामसाश्च जे मत्त एवेति तानो विद्धि न तु अहम तेषु ते मई। हे भरत सब, हे अर्जुन, अहम ये जो बलवान में बल हूं सब ये सब व्याख्या किया उसका बात कह रहे हैं ठाकुर जी। जे च एव जितना सारे सात्विक भाव सत्व गुण प्रधान हैं, राजस गुण जो है प्रधान जो भाव है, तमसा तमगुण प्रधान जो भावा भाव है, तानो माने ये सारी चीजों जो है मत्त एव, मत्त माने फ्रॉम मी, हमसे उत्पन्न हुआ है, ये तो है ही है। सृष्टि का थोड़ा टच किया था रहस्य, भगवान का काल के, भगवान का जो काल है महाकाल, उसका उसका प्रेरणा से, भगवान के प्रेरणा से काल जो है प्रकृति का जो सतरजतम गुण का जो बैलेंसिंग अवस्था है, इक्विपेज जो प्रकृति है, इसका ये खबित हुई प्रकृति, खबित होने के बाद महातत्व का आविर्भाव हुआ, महातत्व से कैसे कैसे गुणों सारे गुणों का आविर्भाव हुआ, सत्य गुणों से देवता लोग, रज गुणों से कैसा क्या, सारे हमने थोड़ा टॉच दिया था, याद करके देखना। भगवान कह रहे हैं कि मत्त एव, हमसे ही उत्पन्न हुआ। जब भी भगवान कह रहे हैं कि हम इसका अंदर में कुछ भी नहीं हूं, मेरा अंदर सारे दुनिया है फिर भी मैं किसी जगह नहीं हूं, ये सारे जो कंट्राडिक्टरी विषय है, ये भगवान का अचिंत, ये भगवान का अचिंत इनकॉन्सिवेबल पावर है, क्षमता के द्वारा ये विधृत है ये जग तमाम जगत। जवान हम यथाभाव यद्रूप गुण कर्म कह तथैव विज्ञान स्तुति मदनुगा, अहम विवास मेवाज्ञ सत् परम पश्चात हम जदे तत्व जो वशिष्योस्मि हम हैं रीति अर्थम जत प्रतीत न प्रतीत चात्मनि तद विद्या आत्मा नमाय यथावास यथात्मा यथा महंति भूतानि भूतेषु च वचिषु प्रविष्टान प्रविष्टानी नौतेषु नौतेषु हम। तमाम दुनिया में कोने कोने अणु परमाणु में मैं ही हूं, फिर भी मेरा एक अलग सा मैं, इसमें होते हुए भी मैं नहीं हूं, ये अचिंत शक्ति भगवान का, अचिंत शक्ति का ये जो विरुद्ध धर्म, जो विरुद्ध धर्मावली कंट्रोडिक्टरी पॉइंट्स जो है, ये भगवान में एकदम फुल एंड फाइनल एडजस्टमेंट में आता है, वेरी वेरी फैंटास्टिक एडजस्टमेंट, एक एकमात्र भगवान में ही हो सकता, एकमात्र भगवान में ही हो सकता, किसी देवता में भी नहीं, एकमात्र भगवान, भगवान छोड़ के किसी का अंदर में ये सब कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट का ये समाधान नहीं हो सकता, बैलेंसिंग हो नहीं सकता, यही सबसे बड़ा बात है।
तो ये जो है इधर जे चैव सत्विका भावा राजसाहा तामसाश्च जे मत एविधि तानुविधि, ये सब मेरे से उत्पन्न हुआ है अर्जुन, जान के रखना। और इस सब में अहम न तू, हम नहीं है सब में, और ते मई, हम इस सब में नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरे में मुझ में ये सब है। ते मई अमाते तेषु अहम न तू, आमी किंतु, हम लेकिन, ये सब चीजों में नहीं हूं, लेकिन ते मई, ये सब जो चीज है सब में मुझ में है। असात्विक भावा, सात्विक भाव मतलब समो दमो ज्ञान वैराग्य आदि सात्विक भाव से उत्पन्न होने वाला प्रभाव है। राजस भाव से हर्षो दर्पो लोभ आदि सब आगे चल के 18 तो में बड़ा खुलासा होगा। तामस भाव में शोक मोह निद्रा आलस्य आदि इतना सारी, इस सारे की जो चीज जो है भगवान कह रहे हैं कि ये सब मेरे से ही उत्पन्न होता है, कहां से आएगा, क्योंकि और तो वो कारण है नहीं, आदि कारण तो भगवान ही है, आदि कारण तो और कुछ नहीं है, भगवान छोड़ के और वो क्या है, कुछ है कि कुछ है नहीं। सूर्य पुत्र जो कर्ण जो है, ये सूर्य पुत्र है आप जानते हो, लेकिन इसको तमाम जगत सुत पुत्र, सुत मतलब नीचा घराने में जन्म हुआ ऐसा बोल के हंसी उड़ाते थे, जबकि इसका पावर जो है इतना पावर है ये मत पूछो, पितामह भीष्म का पावर, कर्णों का पावर जो है इतना है ये पूछने का लायक नहीं, इसी का हिम्मत नहीं है इसका सामने टिके, इतना पावर है, फिर भी आम आदमी हंसी उड़ाते थे, सुत पुत्र बोल के हंसी उड़ाते थे, क्योंकि उसका जन्म का कोई पता नहीं चला, बाद में आगे चलकर जब सब मिटमाट हो गया, मर के मिट गया, तब युधिष्ठिर महाराज को कह रहे कुंती देवी, बेटा एक सच्चा कहे, ये जो तुम्हारा ये जो कर्ण है ये मेरा ही बेटा है, क्या कह रही हो, बोला हाँ मेरा ही बेटा है, मैं बोलने का साहस नहीं की क्योंकि ऐसा ऐसा घटना है। आज युधिष्ठिर महाराज ने भी साफ दे दिया, इतना बड़ा बात तुमने बोला नहीं, बोली नहीं, हाँ छी 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 हाय हाय, और साफ भी दे दिया, चलो आज से कोई सीक्रेट चीज वहां पचेगी नहीं। तो ये जो है कर्ण जो है सुत पुत्र बोल के कोई आदमी हंसी उड़ाता था, तो कर्ण जी एक दिन एकदम खड़ा होके बता दिया, सुतो वा सुतो पुत्रो वा जो वा को वा भवामि अहम्, अरे मैं सुत पुत्र हूं, अरे सुत हूं, जो भी कुछ हूं, जो भी कुहूज, जो भी कुछ हूं, ये तो दैव, ये ठाकुर जी का विषय है, मेरे को जन्म दिया, सुतो वा सुतो पुत्रो वा जो वा को वा भवामि अहम् दैवायतम कुले जन्म मदाया तम ही पौरुषम, अरे देखने की हिम्मत है तो मेरा पौरुष देख ले, ये भी देखो, ये अपना सोचते हैं मेरा पौरुष है मेरा पावर, ये क्या बोलते हैं आदमी, ये सुत पुत्र है, ये है वो है फलाना है, अरे छोड़ सब बात, जन्म तो है ठाकुर जी की इच्छा से, अब मेरा पावर तो देख ले, ये पौरुष जो है मेरा बस का, लेकिन वो जा ये भी गलत सिद्धांत है, ये भी कह रहे हैं मदायत्तम ही पौरुषम मेरा अपना चीज है देख ले, ये भी अभिमान है, इसमें भी अभिमान है, किसी को समझ में नहीं आता है। माया के द्वारा सब इतना अभिभूत है, किसी का बोलने का हिम्मत ही नहीं है कि ठाकुर जी मैं तो तुम्हारा हूं। आदमी सोचते हैं कि वैष्णव जो निष्किंचन वैष्णव है, कोई पैसा नहीं है, कोई लोग बल नहीं है, बोले महाभारा वीक है, भक्ति पोतपुरी के श्री महाराज है ना, कितना
कितना बरस तक अंतिम में तो पैसा आया, कुछ नहीं था, कुछ नहीं, 50 रुपया भी नहीं है महाराज जी के साथ उत्सव मनाने के लिए। हर आदमी सोचते थे क्या है, कुछ नहीं है इसका है? ऐसा कहते थे गुरु जी। कुछ किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, ठीक है हमारा कुछ नहीं है, ऐसा करके चलते थे। जो पागल है, जो गाधा है, जानवर है, वो लोगों को पता नहीं, वो लोग उल्टा बोलते थे। अब अंतिम में ठाकुर जी दिखा दिया, अब कितना हंसी उड़ाएगा देख। जो महाराज जी का झोली में 50 रुपया भी नहीं रहता, ऐसा निष्किंचन वैष्णव होके सेवा करते थे, उसका अभी करोड़ों करोड़ों रुपया, ऐसा ठाकुर जी दिखा देते हैं। जो लोग अपमान करते हैं ना, उसका मुख में चप्पल देते थे ठाकुर जी। बाद में अगर बुद्धि है तो समझ जाता है कि मेरे को चप्पल लगाया माया देवी। तो ऐसा है, अहंकार के मारे आदमी सोचता ही नहीं कुछ है, इसका मैन पावर नहीं है, मैन पावर नहीं मानी पावर तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा सोचता है आदमी। ये लोग जानता नहीं कि संतों का पास पैसा नहीं रहना और रहना, ये बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात है युक्त वैराग्य। इसका अनन्य भजन जो है, जो नित्य पार्षद है भगवान का, इसका अपमान का मतलब प्रभुपाद का अपमान, इसका अपमान का मतलब भगवान का स्वयं का अपमान, सत्यनाश करके छेड़ेगा, पूरा उजाड़ कर देगा, ऐसे ही करता है। लिखा हुआ है नित्यानंद बाबू स्वयं, देखो नित्यानंद बाबू को हंसी उड़ाया, मजाक उड़ाया, अपमान किया है। ये जो गया था नित्यानंद प्रचार में है, वो जो आपका क्या नाम है भूल गया, वो इसको ये बेनापुल का सामने अपमान किया, तो नित्यानंद बाबू को आदमी जाके बोला जे कुछ जगह चाहिए, रात को ठहरेगा, सुबह में प्रचार करके चलेंगे। तो इतना बदमाश है रामचंद्र खान, बोले गोसाई के लिए हमारा ग्वाल घर है ना, ग्वाल गो माता रहता है ना, वो बड़ा जगह है, उसका लिए वेरी कंफर्टेबल रहेगा, अब ये दे दो चल। जब नित्यानंद बाबू का पास खबर आया, हा हा करके बलराम जी हंसा, हाँ हाँ करके बलराम जी, ठीक बोला, यही जगह मेरे लिए फिटिंग है, इट्स जस्ट फिटिंग फॉर मी, ठीक बोला, चलो। बल्लाव जी साक्षात बलराम, बलराम चला गया नित्यानंद। और इसी समय मुस्लिम किंग आया, उसका घर उजाड़ करके उसी के अंदर में गोमाता का मंस रसोई करके पूरा एकदम तच लूट करके चला गया, बेइज्जती करके, बेबी बच्चा का सब बेइज्जती करके, बच्ची का सब चला गया। और वहां लिखा हुआ है वृंदावन दास ठाकुर लिखा, ये हंसी मजाक नहीं है, पढ़ लेना, वहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वृंदावन दास जो लिखा है, महत व्यक्ति का जहां अपमान होता है वहां का अड़ोस पड़ोस में जो गांव है वो भी उजाड़ हो जाता है, भले वो कुछ नहीं किया, ओ महाराज वो तो कुछ नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन पड़ोसी में ग्राम रहता ना, एक पॉइजनस जहरीली सांप का जो उसका जो सांस है, जैसे कालियोनाग, कालियोनाग का सांस से कितना चिड़िया मर के पड़ जाता है, मर गया, कितना पेड़ पौधा सारे जल गया। ऐसा ही है, कोई वैष्णव अपराधी है उसको मठ में मत रखो, उसको मत रखो, उसको ये दया नहीं है, ये आचार्यों का वीक पॉइंट है, आचार्यों का वीक पॉइंट है, इसको मत रखो, रखने से बाकी सारे कोरप्टेड हो जाएगा। हाँ अगर तुम्हारा अंदर में हिम्मत है उसको रेक्टिफाई करो, अपराध हटाकर उसको कृपा करो, ठीक है, अपराध भी चले और अपराध बढ़ते जेल चलो महाराज, ठीक है कहाँ भेके, ये ठीक नहीं है, उसको अलग कर दो। भक्तिविनोद ठाकुर का आदेश है, भक्तिविनोद ठाकुर का डायरेक्ट आदेश है, इसको अलग कर दो, जब तक रखोगे करप्टेड हो जाएगा, पूरा संप्रदाय का शुद्धता नहीं बचे, ऐसा है। तो वहां लिखा हुआ है
भले ही वो कुछ नहीं किया अड़ोस पड़ोस के गांव में है, लेकिन पूरा पूरा अड़ोस पड़ोस का सारे गांव उजाड़ हो जाता। जहां महत व्यक्ति का अपमान होता है अड़ोस पड़ोस में सारे एकदम बेकार हो जाता है। और शास्त्रों का वचन है जिन्होंने अपमान किया गुरु वैष्णव का सम्मान किया, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे गुरुजी मेरे को कुछ प्रश्न किया इसका उत्तर नहीं दिया, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इंसल्टेशन। गुरुजी ने प्रश्न किया इसका उत्तर नहीं दिया, तो उत्तर नहीं दिया तो ये तो अपराध है, बस इसका भी पतन है। उत्तर नहीं दिया चलो इग्नोर किया, ये अपमान है गुरुजी का। चलो जो जी जो इच्छा मर्जी कर ले, अपना अपना कर्मफल भोगेगा, हम तो ठेका नहीं लिया चलो। और भागवत में लिखा हुआ है, भागवत में ये पक्का लिखा हुआ है, आयु श्रीयो यशो धर्मो लोकान आशीषो एवच हंतिं श्रेयांस सर्वाणि महद अतिक्रमः। महत व्यक्ति का जहां अपमान होता है जिस जगह, उसका हालत तो बोल दिया हमने, और जो व्यक्ति अपमान करता है उसका आयु चला जाता है, आयु गिरते जा रहा है। आयु श्रीयो देखने में एकदम अगली हो जाता है, पहले देखने में अच्छा था। आयु श्रीयो यशो, जितना जस कमाया सारे बेकार हो जाएगा। यशो धर्मो, धर्म माने जनरल धर्म, जो धर्म कर्म किया जनरल धर्म कर्म, ये सारे का उसका जो पुण्य फल है सारे बेकार। आयु श्रीयो यशो धर्मो, ये धर्म जो है ये भगवत धर्म नहीं है। अगर भगवत धर्म है वो भी बेकार हो जाएगा, वो भी रहेगा नहीं, वैष्णव परिधान उसका भी सत्यनाश हो जाए। आयु श्रीयो यशो धर्मो लोकानाशी से बचो, समझो कि बड़े बूढ़े आदमी जो है आशीर्वाद किया, ऐसा भी तो होता है, हो सकता है ना। मेरा दादी माँ मेरे को आशीर्वाद की थी बहुत पहले, हैं दादाजी या तो काका जी, कुछ भी कोई सीनियर आदमी आशीर्वाद किया, सारे आशीर्वाद का जो फल है वो भी सत्यनाश, जल के खाक हो जाए। आयु श्रीयो यशो धर्मो लोकानाशी से बचो है हंतिंग श्रेयांश सर्वाणी, जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी अच्छा है, अच्छा संस्कार, अच्छा फल कर्म फल कुछ भी नहीं बचेगा, जल के राख हो जाए। आयु श्री यशो धर्म लोकानाशी से बचो हंतिंग श्रेयांश सर्वाणी महद अतिक्रम, महद अतिक्रम का ऐसा फल है। अभी भगवान ने बताया कि जे चैवो सात्विका भावा राजसहा तामसाश्च जे मत एवेति तान विद्धि न तु अहम तेषु ते मुहि। अर्थात ये सब गुणावली जो है सब मैं इसका अंदर में नहीं हूं, लेकिन मेरा अंदर सब कुछ। ये क्या माने क्या हुआ हमारा, ये कोई माने हुआ? बोला हाँ ये माने हुआ। अब प्राकृत जगत का हमने अभी बोला भगवान के संबंध में कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट, मैं कुछ में नहीं हूं मैं सब में हूं, अरे कैसे हो सकता साइमल्टेनियसली व्हाट इज यस एंड नो, एक ही वस्तु का लिए है और ना दोनों हो नहीं सकता, लेकिन भगवान के लिए होता है। अब भगवत जी महापुराण में भी ये वर्णन किया, ठाकुर जी स्वयं बताए एतद ईषणम ईशस्य प्रकृतिस्थोपि तद्गुणैर् न युज्यते। एतद् ईषणम ईशस्य प्रकृतिस्थोपि तद्गुणैर् न युज्यते। मतलब ये है, तात्पर्य ये है, ये ईश एतद् ईषणम ईशस्य, ईश्वर भगवान का यही महिमा है। एतद् ईशनम ईशस्य, भगवान का ईशा शक्ति ये है। एतद् ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्थोपि, बाहरी दृष्टि में चैतन्य महाप्रभु ये प्रकृति का अंदर है, आया तो प्रकृति का अंदर ही है। रामचंद्र जी आया, भगवान कृष्णचंद्र जी, मानो कि लगेगा प्रकृति का अंदर में ही है, लेकिन भागवत का सिद्धांत तो ये है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं एतद् ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्थोपि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट भगवान इज अंडर
within this material world. फिर भी भगवान ये प्रकृति का अंदर में नहीं है, ये भगवान का लिए एप्लीकेबल, सदाशिव के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन शंकर भगवान ये अंतर में वैष्णव है, बाहर में तमगुण का ठेका लेके बैठा हुआ है, तमगुणी, तमगुण का इंचार्ज, तो बाहरी दृष्टि में तो देखेगा, खने तुष्टो खने रुष्टो खने खने तुष्ट रुष्टो, ये जो दिखाई पड़ता है आशुतोष आशुतोष है, लेकिन सदा से विष्णु तत्व है, चर्चा किया अभी दो दिन पहले ही। तो एतद् ईशन विशस्य प्रकृतिस्तो ओपि तद् गुणै न युज्यते, अर्थात गुणों का संपर्क नहीं हो पाता। जब भी भगवान को दिखाई पड़ता भगवान ये प्रकृति का अंदर में है भगवान, फिर भी भगवान का साथ प्रकृति का त्रिगुण का कोई संबंध है ही नहीं। जैसे चैतन्य चरितामृत में भी ये आदि खंड में बताया, यद्यपि तिनेर मायालय व्यवहार तथापि तत्स्पर्श नाई सबे माया पार, समझा मेरा भाई, यद्यपि हैं तीन मतलब खेरुद गोसाई अनिरुद्ध विष्णु, अच्छा गर्भद गोसाई विष्णु है, कारण और ऋषभ साहब, ये जो तीनों हैं तीनों का माया का साथ कोई संबंध है नहीं, माया पार। यद्यपि तीनेर माया लैया व्यवहार, आप देखो तो विचार करो तो तीनों का इनडायरेक्टली माया को लेके तो खेला में कर रहा है ना, क्या कर रहा है ये जो कारणोन्नव साई महाविष्णु, इसका बारे में तो भगवान गीता में बताया, मायाध्यक्षेण प्रकृति स्वयं चराचरम, मेरा प्रिंसिपलशिप में अध्यक्षशिप में ये प्रकृति सुयाते चराचर ब्रह्मांड का पैदा होना और स्थिति, और इसका बात भी चले जाना तो है, माया का लेके तो व्यवहार है और क्या। यद्यपि ये तीनों है खिरद गोसाई विष्णु गर्भद गोसाई विष्णु और करुणन साई विष्णु, तीनों माया पार तुड़ियो विष्णु तत्व भगवान, यद्यपि तीनेर माया लैया व्यवहार और डीलिंग्स कर रहा है तो इनडायरेक्टली माया का साथ, अनिरुद्ध विष्णु हर जीव का अंदर में घट घट में बैठा हुआ है, परमात्मा वैभव समझा, जीवों को सब कंट्रोलिंग कर रहा है इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो कुछ भी है, अनंत ब्रह्मांडो सृष्टि हुआ एक एक ब्रह्मांड में, गर्भदुग साई विष्णु गर्भदुग सागर में जाके सहन कर, कारण स्वय कारण सागर में है, और एक एक ब्रह्मांड का अंदर में जो क्षीर सागर है उसमें अनिरुद्ध विष्णु खिरदुग साई वो जाके परमात्मा, ये परमात्मा वैभव परमात्मा संदर्भ में जीव को सही पर सुंदर करके व्याख्या किया। ये तमाम जो है ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ऐसा है, ये परमात्मा जो है ये तो परमात्मा तो ऐसे परमात्मा का जो एक वैकुंठ जगत में परमात्मा का स्वरूप ऐसा नहीं है, परमात्मा जो है भगवान का ये जगत का अंदर में प्रकाश है, हर जीवों का अंदर में भगवान परमात्मा के रूप में बैठा हुआ है, परमात्मा का ये वैकुंठ जगत में अलग सा चेंबर है ऐसा नहीं, इसका स्वरूप का वजह ऐसा नहीं, सिर्फ जो ही लोग अंदर में इसको दर्शन है तो नित्य है भगवान, फिर भी बताया गया ये भी पार्शियल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पावर ऑफ भगवान, भगवान का जो प्रकाश है प्रभाव है इसका पार्शियल एक्सप्रेशन, ब्रह्मो का जब कोई जोगी ब्रह्म ज्योति के धन ये भी पार्शियल है, और इससे बेहतर है वो अंदर में प्रादेश प्रादेश मार्तम पुरुषम बसंतम हृदय का अंदर में भगवान बसा हुआ है परमा, ये भी है पार्शियल एक्सप्रेशन, अपूर्ण प्रकाशमय जो नित्य स्वरूप जो है भगवान का, यंग श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजन, भगवान का नित्य स्वरूप, नारायण का राम का वराहो है भगवान,
ये सब है। तो एतद् ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्तोपि तद्गुणैर न युज्यते, इसका ही सपोर्टिंग है चैतन्य चैतामिता आदि खंड में। यद्यपि यद्यपि देख रहा है ये तीनों का, ये तीनों महा, ये जो पुरुष है, तीनों पुरुष माया लेके इसका डीलिंग्स है, बट डायरेक्टली नो कंटैक्ट, इनडायरेक्टली सब इनडायरेक्टली। यद्यपि तीनेर माया लैया व्यवहार, तथापि स्टिल तत्स्पर्श नहीं, माया का साथ कोई डायरेक्ट स्पर्श होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि तुरीय वस्तु है माया, तो माया तो इधर का है। आई बात समझ में? तथापि तत्स्पर्श नहीं, सबे माया पार, सब तुरीय वस्तु है माया का उपार। प्रकृति सहित तार उभय संबंधो, तथापि प्रकृति सह नहीं स्पर्श गंधो आदि अध्याय में जो भी है, आगे चलना है क्योंकि नहीं तो आगे आगे नहीं बढ़ेगा चर्चा। भगवान अभी 13 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि त्रिभीर गुणमयर भावई रेभी सर्वमिदम जगत मोहितम नाभि जानाति मामेभ्यो परमाभयम्। त्रिभीर गुणमयर भावई रेभी सर्वमिदम जगत महित्वम नाभि जानाति मामेभ्यो परमाभयम्। पहले जो हमने सतोरजोतम गुण का बारे में अभी बताया, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन जस्ट पहले थोड़ी देर पहले जो जो सतोरजोतम गुण का विषय में ये जो चर्चा किया, ये जान के रखना द होल यूनिवर्स इन्फिनिटी यूनिवर्स दे आर जस्ट हिप्नोटाइज्ड बाय दिस मैजिक स्पेल ऑफ दिस माया। माया का प्रभाव से सारे मोहित है, किसी बाप का हिम्मत नहीं कि ताल ठोक के कहे कि हम माया का बाहर है। एक पक्का वैष्णव जो है वो कभी भी अहंकार करेगा नहीं, वो बोलेगा ही नहीं, कभी भी बोलेगा नहीं मैं माया जाय कर लिया, नहीं ऐसा बोलेगा नहीं कभी। क्यों? वो तत्वज्ञानी, वो जानते हैं माया जाय कर लिया ऐसा अहंकार उचित नहीं है, ऐसा अहंकार कदापि उचित नहीं है। लेकिन गिर गिरा के बोलना है माया मेरे को छोड़ दो, भगवान आपका माया मेरे को छोड़ दे, मैं काबिल नहीं हूं, मैं गिरा हुआ इंसान हूं, ऐसा अहंकारी आदमी का सामने से माया कभी भी हट नहीं सकता, हटेगा नहीं। सो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, ये सत्व रजोतम गुण का प्रभाव के द्वारा अर्जुन तमाम जगत जो है महित है, देयर अंडर मैजिक स्पेल ऑफ माया, माया का प्रभाव से पूरा टूटा हुआ है, टूटा हुआ है पूरा। और ये समस्त गुण जो है प्रकृति क्रियामानानी गुण कर, ये जो श्लोक बताया था ये प्रकृति क्रियामानानी, ये जो बात जो इसका भी व्याख्या मैंने किया, जब प्रकृति क्रियामानानी ये जो भाव है ये कब सच्चा है? जब पुरुष जो है प्रकृति का अंदर में नस नस में घुसा हुआ है। बी केयरफुल, क्योंकि जिसका अंदर में प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, वो अभी हमको क्वेश्चन करेगा, महाराज प्राकृतिक क्रिया माने कह रहे हो, आप कह रहे हो कि प्रकृति का कोई प्राण नहीं है। तो मैंने ये चर्चा किया बार बार, क्योंकि मेरे को पता था सारे गलत समझेगा। प्रकृति क्रिया मनानी ये बात तो सच्चा है, क्योंकि आत्मा है पन पन में, कुन कुन में, नस नस में, तो ये एक्टिव दिखाई पड़ता है। और आत्म वस्तु का कोई अभिमान नहीं है, मैं कर रहा हूं तो कौन कर रहा है? पक्का जो शुद्ध आत्म वस्तु है उसका अभी माया का अंदर में है, इसलिए कर्तापन है। और आत्मा तो कुछ कर नहीं सकता, आत्मा का कोई ऐसा क्रियाकर्म का अभ्यास ही नहीं है, कोई प्रकृति का साथ उसका कोई टाच ही नहीं है अनंत काल से, लेकिन हो गया, उसको बंधन में डाला। और ये जो शरीर है प्रकृति का, मन है प्रकृति का, बुद्धि है प्रकृति का, तो कुछ भी कर रहा हूं तो कौन कर रहा है? प्रकृति कर रहा है। बुद्धि जो है वो प्रकृति है, मन जो है प्रकृति है, शरीर जो है प्रकृति है, काम क्रोध सब कुछ प्रकृति, तो कुछ
व्यक्ति कुछ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो प्रकृति क्या माने? प्रकृति क्या माने ना? एक टाइगर हिरण को खा रहा है, भाग रहा है और शिकार कर रहा है, प्रकृति क्या माने? उसका भूख लग गया, भूख भी प्रकृति का ही विषय है। लगने के पास वो ख्याल किया एक हरिण जा रहा है, उसको खाना जरूरी है और भगा इसका पीछे, इसका दौड़ना, उसका चिंतन करना, उसका पकड़ना, उसको खाना, उसको हजम करना, टट्टी सब प्रकृति, सारे प्रकृति के। और आदमी सोचता है मैं कर रहा हूं, तो प्रकृति क्या माना नहीं, इस बात का भी उल्टा व्याख्या नहीं करना, ये समझना जरूरी है। तो कौन सी गलती है अगर ठाकुर जी कह रहे हैं ते त्रिभीर गुण मयूर भावर रेभी सर्वमिदम जगत मोहितम नाभि जानाती मामेभ्यो परम भयम्। भगवान कह रहे हैं कि ये सारे तो प्रकृति में चल रहा है सतरजतम गुण का, ये शास्त्रों का शास्त्रकारों ने व्याख्या किया गुरु वर्गों ने, जे इट इज वन काइंड ऑफ ओशन गुण समुद्र, इसको बोला गया गुण समुद्र, गुण का समुन्दर है। अभी अभी ठीक था, बैठ के कम कर रहा था, किसी ने बहू ने कुछ बता दिया, बस आग जल गया घर में और लाठी निकल गया, पुलिस आया, कहां से हो गया प्रकृति क्या मानन, प्रकृति क्या मानन हो गया ना। अभी ठीक था, कुछ नहीं था, वो एक थोड़ा सा शब्द बोला बस हो गया, एक दूसरे का साथ लड़ रहा है। और ज्ञानी व्यक्ति जो है, जो विचारवान व्यक्ति जो है, जिसको पूरा पता है, तत्वज्ञानी पुरुष जिसको पूरा तत्व ज्ञान है, पूरा के पूरा अनुभव में आया, वो हंसते रहते हैं हा हा करके, किसी ने नुकसान करके गया, किसी ने हरी कथा बंद कर दिया, किसी ने कुछ कर रहा है, वो हा हा करके हंसते रहता है, ये प्रकृति का प्रभाव है। ये ठाकुर प्रकृति का हमको हमको कोई इंटरेस्ट अगर नहीं है तो क्या है, चलो ऐसा करके गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्या नौतेषु रमति बुधा न सज्जते, सॉरी सज्जते बुधा, गुणा गुणेशु एक गुण दूसरे गुणे के साथ टक्कर लिया, रजोगुण के साथ तमोगुण का टक्कर हो रहा है, तमोगुण के साथ तमोगुण का टक्कर हो रहा है, रजोगुण सतगुण के साथ टक्कर हो रहा है, टक्कर होते रहते हैं, ये चलते रहता है। गुणों समुद्र, समुंदर है ना, गुणों का समुंदर है, इसमें लहर जैसे समुंदर में चलते रहते हैं ना, लहर का साथ तुलना किया गया, लहर का साथ तुलना किया गया, जे समुंदर में जैसे लहर चलते रहते हैं, कभी मिटने वाला नहीं है, सृष्टि का आदि से लहर चलते रहते हैं, ये जो लहर चल रहे हैं, ये गुणों समुद्र जो है, गुणों समुद्र का लहर से किसी का हिम्मत नहीं हो बच सके। एक जो है पक्का गुरु का शरणागत है, बल्लाव जी का चरण का छाया में आ गया, नित्यानंद का, उसका तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। इसीलिए तो बामन गुस्से में कहते थे ना, तमाम हल्ला गुल्ला सिचुएशन में मैं एकांत रूप से रह सकता, ये कैसा बात है, तमाम हल्ला गुल्लाओं में मैं एकांत रह सकता, ये कैसा बात है, कॉन्ट्राडिक्टेड लगता है ना। श्री तीर्थ गोस्वामी महाराज जी मेरे को कहते थे कि ना, मेरा अंदर में एक डाउट आया था, महाराज जी समझ गया। हम महाराज जी एक दिन मुस्कुरा के कहते महाराज, हमको कह रहे बाबा जी महाराज, शंकर भगवान जो है, शंकर भगवान असुर राक्षस सवार माझखाने थाके, शंकर भगवान के संगे, शंकर भगवान का संग में कितना सारे भूत प्रेत पिशाच चल रहा है, वो सोचता है कि शंकर भगवान का संग कर रहा है। शंकर भगवान तो परम वैष्णव है, वैष्णवानाम यथाशंभु, अब उसका संग कर गए, भूत प्रेत पिशाच डायनी सब कर रहा है। हमको इंगित में बोल दिया कि मेरा करने का कुछ नहीं है, क्या करूं। मेरे मारा हंसते हुए ये आंसर दिया मेरे को, तब से मेरा डाउट जो है चल गया।
ना ऐसे ही संदेह तो नहीं था, फिर भी कभी कभी आता है दो एक। तो ये जो है प्रमाण करके रख दिया ठाकुर जी, ये दुनिया में जो कुछ भी चलता है गुना गुणेश वर्तन्ते इति मत्या न सज्जते बुधा। ये समझ के जो गुण गुणा का एक गुण दूसरे दूसरे गुण का गुण का साथ चक्कर चल रहा है, इसमें मेरे को लपड़ा में नहीं फंसना है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई ब्रह्मचारी दो लड़ाई कर रहा है तुम जगह ठंडा नहीं करोगे, ऐसा नहीं, ऐसा विचार बना रहा है। ऐसा तो मठ मंदिर में ऐसा चलाना संभव नहीं है, बिल्कुल शासन करना जरूरी है। तो ये तत्व ज्ञानी का विचार है, बोल रहे हैं ये तो मेरे मैं इसमें क्या करूं। तो गुणों का प्रभाव का बाहर जाने के लिए, गुणों का प्रभाव का बाहर जाने के लिए गुरु सेवा अत्यंत जरूरी है। एकमात्र सदगुरु वैष्णव का सेवा के द्वारा ही एकमात्र संभव है। अगर गुरु वैष्णव को छोड़ के भगवान को भजन करने जाओगे तो लात खाओगे, एक लात खाओगे माया देवी का, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए रजस तमस च सत्येन सत्वं च उपशमेन च एतत् सर्वं गुरु भक्त्या पुरुषो हि अंजसा जय। अंजसा मतलब वेरी इजीली, प्रकृति गुण को जय करना ये तो मुस्कुरा के कर देगा। जिसका भजन का भावना लेके, जिन्होंने जिन्होंने भजन का भावना लेके आया है वो तो रज सतरज तमगुण को चुटकी में नाश कर देगा गुरु सेवा के द्वारा। ये तो हमारा कहना नहीं है, भागवत में ही है, रजस तमस च सत्येन सत्वं च उपशमेन च एतत् सर्वं गुरौ भक्ता पुरुषो हि अंजसा जायत। अंजसा वेरी इजीली। ये सारे जो है तमाम त्रिगुणों का प्रभाव का बाहर जाना ये कोई बड़ा बात नहीं है, और तमाम जन्म जन्म ये तीनों गुणों का बाहर जाने के लिए अब अपना जीवन जिंदगी को गंवा रहा है, खराब कर रहा है। जबकि ये विषय नहीं है कुछ, ये छोटा मोटा विषय है, ये छोटा मोटा विषय है। प्रकृति को जय करना है कोई बड़ा बात है? भाषण देना बहुत इजी है। जो सब जो संत महात्मा का अंदर में ऐसा भाव आया है ये डायरेक्ट साबित है, वो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट है। जब प्रकृति का कुछ चीज उसको प्रभाव नहीं फैल सकता, कोई आकर्षण, कामिनी, कांचत, पैसा कुछ भी नहीं, जितना भी परीक्षा करने की हिम्मत है कर लो, क्योंकि ये लोग अंदर में अभिमान नहीं है। वो बोलेगा ठाकुर जी माया का बाहर तो हम जा नहीं पाया। जैसे अद्वैत गोसाई शिवास पंडित, जब महाप्रभु जी ने ऐलान कर दी कि उस दिन मेरा चंद्रशेखर आचार्य भवन में मेरा नाटक होगा हैं, और उसमें मैं नृत्य करें, लेकिन जो जितेंद्रिय नहीं है वो एंट्री नहीं मिलेगी। तो अद्वैत गोसाई कह दिया कि तो हमारा तो एंट्री है नहीं, तो फिर हमारा सीबीएस पंडित को तो हमारा भी एंट्री नहीं हो, तो मैं तो इन जितेंद्रिय नहीं। भगवान हंसते रह गए, अरे तुम जितेंद्रिय नहीं तो कौन जितेंद्रिय है, चलो सब कोई जाएगा, मेरा आशीर्वाद से उस दिन किसी को काम नहीं सताएगा। भगवान ने खुला आशीर्वाद दे दिया। तो ये कोई मामूली बात नहीं है काम का बाहर जाना। तमाम दुनिया से पैसा आते रहे उसको भगवान का सेवा समझ के दे देना, ये मामूली बात नहीं है। ये सोचना गलत है, ये मामूली बात है। किसी का अंदर में गुरु वैष्णव का पैसा लूट रहा है, ये गुरु वैष्णव का पैसा है, किसी का पैसा वो लूट रहा है, अपना मुताबिक वो हटा रहा है इधर उधर पैसा, मरेगा। एक पैसा अगर किसी ने खा गया गुरु वैष्णव का, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कह दिया उसका जन्म जन्म जल के मरना है। आग है दैव संपत्ति, आग है आग का बराबर, बोली बाप रे बाप, कभी भी उसमें आशा नहीं रखना। एक एक पैसा दे देना, अगर ज्यादा हो गया वो भी दे दो, कम हो गया फिर भी अपना जेब से दे दो। एक दिन हमारा सागर महाराज जी, उदाला का सागर महाराज जी, गुरुजी को हिसाब दे, गुरुजी का नियम था जो कुछ भी कोई दे खाते में लिख रखना, खर्चा और जमा करके दिखाना, एक महीना जमा खर्चा का हिसाब समझाए गुरुजी, ऐसा ऐसा
गुरुजी ये क्या बात है, है? है? खर्चा और जमा तो कैसे कोई मिल नहीं हो रहा है, है? खर्चा और जमा जो है तेरा तो मिल नहीं रहा, अरे कुछ पैसा ज्यादा है कैसे खर्चा नहीं मिल रहा है? तो गुरुजी को कह रहे हैं कि महाराज अगर कम होता तभी अब कहते, अब ज्यादा हुआ तो अच्छा ही हुआ। अरे नहीं ज्यादा भी क्यों होगा, हिसाब हिसाब बराबर है, ज्यादा होगा अच्छा होगा, बढ़ाया हिसाब सिखाने वाला बल हिसाब कहा गया। तब का जमाने में इतना शासन था, अब तो कुछ भी कर देगा ब्रह्मचारी। हम लोग हाथ में पैसा आता प्रणाम ही गुरुजी को दे, गुरुजी बोले आपका तुम्हारा हाथ में रखो खर्चा, ना ना गुरुजी आप रखो, अब कोई दे गुरुजी को देना जरूरी है। आज तो किताब खरीद लिया, कुछ भी किया, मिसयूज नहीं। तो अंतिम में सागर महाराज जी घबरा के कह दिया महाराज अब सोचने दो थोड़ा। बाद में सोचा, ओ महाराज जी वो जो प्रणामी दे के गया था मेरे को, आपका प्रणामी अलग दिया था, मेरा प्रणामी अलग, वो रह गया है, हाँ ठीक है दे जमा कर। तो ऐसा पहले का जमाना था, ये जो हमारा था ना सागर महाराज जी को मैं गुरु समझता हूँ, क्योंकि इसका जो भाव है सेवा का, मैंने जो देखा मैंने जो समझा पागल हो गया, ये असंभव है। वो भी मेरे को बहुत प्यार करते थे, मैं भी गुरु भाई नहीं कहता था बहुत प्यार करते थे सागर महाराज, चला गया अब क्या करे, सब सुना सुना सा लगता है। तो ऐसा है, एक पैसा भी गुरु वैष्णव का लेना भारी पड़ जाएगा, बहुत मुश्किल है। तो ये जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज कहते थे, और गुरु वैष्णव का नाम के आते रहता है, वो लोग चाहता है कि खर्चा कर दो खर्चा कर दो, तो रहेगा तो आफत, पैसा जमा होते रहेगा तो आफत है, कोई डाकू आएगा चोरी आएगा बदमाश आएगा, खर्चा करो ठाकुर जी का। खर्चा करके ठाकुर जी गुरु वैष्णव का परीक्षा लेना चाहता हो करो, हो जाए प्रमाण तब तो विश्वास हो जाएगा ना, लेकिन आदमी भाई महाराज ऐसा कह रहे तो दैवी झेसा गुणमयी मम माया दूरतया, यही तो श्लोक है ना, जब मुखस्त करके रख दिया हर आदमी, अरे हरि कथा में कहते रहते, अरे महाराज दैवी झेसा गुणमयी मम माया दूरतया ममे बजे प्रपद्यन्ते माया मेतम तरंती थे, मेरा चरण में शरणा होगो तो हो जाओ, नहीं तो ये दैवी जैसा ये गुणमयी मामा माया को पार करना संभव नहीं है। मतलब महंत जी कह रहे हैं कि मैं लक्करदास जी हूं, मैं लक्करदास जी हूं, मेरा चरण में शरणागत हो जाओ, ऐसा बोल रहे। दैवी जैसा गुणमयी माया ये बोलना बहुत इजी है, लेक्चर देना और अनुभव में लाना कितना कठिन है। माया जाता ही नहीं, प्रतिष्ठा का रूप पकड़ कर आ जाता है, हरे राम राम, प्रतिष्ठा का रूप पकड़ के चारों ओर से हरी। अगर प्रभुपाद का विचार लेके चले तो वैष्णवी प्रतिष्ठा में बदल जाए, वो बंधन का कारण नहीं होगी। अगर समझ में नहीं आया तो आदमी सब मेरा आरती उतर रहा है, मेरे को माला दे रहा है, हो गया छुट्टी, हो गया छुट्टी, बस। ऐसा ही भगवान भगवान का माया इतना प्रभाव, परा एवं अपरा शक्ति सबका अधीश्वर भगवान है, और भगवान को जानना संभव नहीं। भगवान पहले श्लोक में बोल दिया, जब भी ये सारे गुण मेरे से आया है, किसी को किसी का हिम्मत नहीं कि मेरे को समझे। महितम मैं जगत महितम ना भी जाना थी मामेभ्यो परम अव्यय, हम जो परम अव्यय अक्षय वस्तु सनातन वस्तु अच्युत वस्तु जो हूँ, मेरे को समझ नहीं पाते। परा एवं अपरा शक्ति का अधीश्वर भगवान को जीव क्यों जान नहीं पाते, इसका कारण बोलने का समय
भगवान ने खुलासा किया ये सत्व रजो तम गुणात्मक भाव समूह और ये भावों से उत्पन्न होने वाला जो भाव सत्व रजो तम गुणों से जो भाव आता है ना पहले बता दिया ना ये तीन गुणों के द्वारा तीन गुणों का प्रभाव इसके द्वारा ये तीन गुणों का प्रभाव के द्वारा क्या क्या होता है ये तीन गुण सत्व सत्व गुण से समो दमो ज्ञान वैराग्य आदि रजोगुण से हर्ष दर्प लोभ आदि तामस गुण से शोक मोह आलस्य आदि अर्थात कहने का मतलब है ये त्रिगुण सत्व रजोतम गुण और तीन तीन गुणों में एक एक गुण से उत्पन्न होने वाला जो जो विषय है इसके प्रभाव से तमाम दुनिया मोहित है। विवेक इसका जो कंशियसनेस है चेतना है, चेतना का विकास तब तक हो सकता है यह पूर्ण चेतन वस्तु का सेवा में लगे। आई बात समझ में? चेतन अगर कोई प्रश्न करे महाराज हमारा अंदर में चेतना जो है कंशियसनेस है ड्रॉप होते जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, चेतना का विकास नहीं हो रहा है, बोले इसका कारण है परम चेतन वस्तु का सेवा में लगने से चार्जिंग होता है। मतलब गुरु वैष्णव जो चार्ज चार्जर है वो किसी जीव बहुत दिन अरे आया गुरु वैष्णव के साथ मिला हरि कथा जो चार्जिंग हो रहा है चार्जर। और भगवान पूरा परम चेतन वस्तु है, गुरु वैष्णव भी चेतन जगत का है सब। तो ऐसा है ये परा एवं अपरा शक्ति का अधीश्वर भगवान जीव को जान नहीं पाते क्योंकि कंसियसनेस ड्रॉप होते जा रहा है। और जितना ही कंसियसनेस ड्रॉप होते जाएगा विवेक मैंने मतलब इसका डिस्क्रिशन विचार क्षमता ड्रॉप होते जाएगा और उसका साथ माया का साथ मिलावटी शुरू हो जाएगा। बहुत सारे ऐसा भी साधु बहुत सुंदर भजन किया कब क्या गलती हो गया, गलती से पूरा ड्रॉप हो गया, कंसियसनेस ड्रॉप होते 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 पौपात को ही बात कर दिया, बोला चलेगा नहीं है गुरु, दूसरा जाके गुरु ग्रहण किया, दूसरा गुरु का पौपात को छोड़ दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरा गुरु ग्रहण किया, ग्रहण करने का बाद बड़ा एक राइटर है उसको चिट्ठी में लिख रहा है जब मैं मेरे को फल मिला आप भी जाओ उधर दीक्षा ले लो, ये गुरु छोड़ दो लिखा है, ये डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स मेरा पास डायरेक्ट, जिन्होंने सुना है वो डायरेक्ट बोला है एकदम पक्का बात। तो अपने तो गया गुरु जी छोड़ के वो बात को और जाने का बाद वो चिट्ठी में लिख रहा है आमियो फल पे ही अमी फल पे ही अपनी जान आप भी जाओ मैं फल मिला मेरे को। ऐसा देखो कैसा हालत है। तो भजन का एकदम अंतिम रैंक सिद्ध होने का कुछ रह गया समान तब भी कोई गुरु वैष्णव अभिमान नहीं करते, क्यों एकदम टपमोस्ट अवस्था में जाके भी पतन होना कोई असंभव हो, उल्टा हो सकता। ऑफकोर्स जो भजन में प्रतिष्ठित है उसको पतन होना संभव ही नहीं होता नहीं। मेरा कहने का मतलब है जब इसी अवस्था है जिसमें एकदम पक्का भावना उसका पहले जो स्टेज है मैंने होने जा रहा है, इसी अवस्था में भी अभिमान करना और सिद्ध होने के बाद भी कभी कोई अभिमान नहीं करते। शंकर ब्रह्मा किसी का अंदर में अभिमान नहीं आ रहा। या प्रिय प्रिय व्रतों का जो प्रिय व्रतो अपना पोता प्रिय व्रतों को समझाने गया तब भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये हम मैं ब्रह्मा हूं शंकर हूं, ये हमारा नासा जो है नाक है नाक में रस्सा बंधा हुआ है समझा, और मैं भगवान का इच्छा को अनुसार कर रहा हूं, मेरा अपना कोई स्वतंत्रता तो है नहीं। इंद्रो थोड़ा स्वतंत्र होने का प्रयास प्रचेष्टा किया भगवान ने एकदम डंडा लगाया, उसका बाद बोला मदनुशासनम कुरु हमारा शासन मान के चलो एकदम पक्का। गुरु वैष्णव भी कहते हैं कि बेटा मेरा बात कहने मान के चलो, मेरे को इग्नोर करोगे मेरे को उपेक्षा करोगे उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है,
गुरुजी अक्सर कहते थे ये सोचता है कि हम सेवा मांगता है, लेकिन ये तत्व है बोलना जरूरी है। गुरुजी शर्मिंदा होकर कह रहे हैं, मेरे को मालूम है ये लोग सोचता है कि मैं सेवा चाहता हूँ, मैं सेवा नहीं चाहता हूँ कि, लेकिन गुरु तत्व तो ये है, इसको अगर ना समझा जाए तो भजन कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए गुरु जी कह रहे एक एक आज्ञा का पालन करो, पालन करके चेतना का विकास करो। तो इसी कारण ये जगतवासी जो माया में मोहित है ये सत्संग नहीं कर रहा है, गुरु वैष्णव का संग नहीं कर रहा है, और इसीलिए उसका जो कॉन्शियसनेस है चेतन है, चेतन भाव है, कॉन्शियसनेस है, ये ड्रॉप होते जा रहा है। जितना माया का सेवा करोगे, यहां तक कि भगवान का और भक्तों का सेवा का बहाना लेके नाटकबाजी कर रहे हो, वो भी बंधन का कारण। हम दिखा देंगे मेरा गुरुजी का आविर्भाव है 50 साल पूर्ति है, दिखा देंगे। क्या दिखाओगे, क्या दिखाओगे, क्या स्पिरिचुअल यूनो अचीवमेंट हुआ, दिखाओ मेरे को, हिम्मत है तो दिखाओ। क्या नेट, क्या हरिकथा हुआ, कुछ हुआ, नाटक हुआ, झन स्क्रीन को हटा दिया। अरे गुरु क्या, गुरुजी क्या एक्टर है, पागलपंथी सब, हरिकथा नहीं, हरिकथा फेंको, हरिकथा क्या हुआ, ठीक ही तो हरिकथा में क्या होगा, नाटक करेंगे हम, लाइट म्यूजिक पागलपंती, देख लिया मैंने, घृणा आ गया मेरा, ओ बेकार, देखते देखते घृणा आ गया था। तो ऐसा करके तमाम भगवान कह रहे हैं कि मैं गुणातीत निर्विकार अव्यय अनंत कल्याण गुण रत्ना करो हैं, और सर्वेश्वर नित्य वस्तु मेरे कोई जान नहीं पाते। बड़ा तकदीर खराब है, दुर्भाग्य है, ये लोग असुआ प्रकाश करता है, ईर्ष्या करता है, जबकि गुरु वैष्णव का साथ भगवान का साथ ईर्ष्या करना बिल्कुल सख्त सख्त माना है। नासुए तो सर्वदेव मयो गुरु, गुरु सर्वदेवमय है, इसका साथ कंपटीशन मत करो। ये तो महाराज, वो तो, ये तो गोपीनाथ गोरिया मटका है, वो तो ओम मटका है, कुत्ता बिल्ली का विचार, ये तो ओम मटका है, वो महाराज का है, हमारा है थोड़ी। अच्छा घर में चले जाए तो अच्छा है, घर गृहस्थी बैठा ले अच्छा है, ऐसा विचार है। ऐसे करके अश्वा करके सत्यानाश कर दिया सारे। तो आप भगवान आगे चल के कर रहे हैं कि दैवी झेसा गुणमयी मम माया दुरतया ममे वो ये प्रपद्दंते माया में तम तरंती थे। भगवान कह रहे हैं कि मेरा अलौकिक प्रभावशाली शालिनी, मेरा अलौकिक ही प्रभावशालिनी गुणमयी माया, बहिरंग शक्ति का माया निश्चित रूप से दुरतिक्रमणीय, मैं किसी भी हालत से उसको पार करके जाओ नामुमकिन है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अगर कोई वर्ड है डिक्शनरी में, ये लगाने से और भी अच्छा है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हिटलर ने बोल दिया था ना, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड विच इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ ए फुलिश। अब बाद में मायादेवी का लात खाया ना, अंतिम देखो जिंदगी, उन्होंने बोला था बड़े निमरकमल का था हम तो हंसते रह गए, अरे बना महाराज इम्पॉसिबल विच इम्पॉसिबल इज अ वर्ड विच इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ ए फुलिश, ऐसा बोला। अब उसका नतीजा देखो अंतिम में तो ये जो माया है बहिरंगा, भगवान कह रहे हैं कि सचमुच ये है मेरा बहिरंगा माया निश्चित रूप से दुरतिक्रमणीय, तथापि जो लोग मेरा शरण में आता है ये अतिक्रम कर जाए, ये कोई बड़ा बात नहीं है। मेरा शरण में आए, जो कोई मेरा शरण में आए प्रपत्ति स्वीकार करे, भगवान मैं आपका हूं, मेरा अपना बोल के कुछ नहीं रहा, सारे ठाकुर जी का हवाले कर दे, सारे दे दिया, भगवान आपका है, मेरा शरीर भी अपना नहीं है,
मेरा में जो शरीर है, जो मन है, बुद्धि है, ये भी आप माया का है, वो मेरा नहीं है, अब आपका ही है। ऐसा करके शरण में आ जाए तो उसका लिए माया माया पार करना कोई बड़ा बात है नहीं। अब ये प्रश्न आता है भगवान का शरण में कैसे जाए, जो वस्तु शरण, जो वस्तु दिखाई नहीं जाता, जो वस्तु को अनुभव में लाना संभव नहीं है, जो वस्तु का बारे में सुनने बैठे तो समय में नहीं आता है, ये कैसा है। नायम आत्मा प्रवचने न लोभ्यो न मेधया न बहू न सूते न, बहुत सुनने के बाद लेकिन समझ में आता है किसको, जम एव एशो वृणित तेन लभ्य है, जिसको भगवान बोले कि हमारा है बोल के स्वीकार करे अपना लिस्ट में, ममो गणे गण नाम विदेही रघुनाथ दास गोसाई राधारानी के चरण में गिर गिरा के कह रहे हैं कि दयामयी मैं तो जा रहा हूं, मेरा मैं होपलेस हूं, मेरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, आप अगर बचाओ तो ठीक है नहीं तो मैं मर रहा हूं, कृपा करके आपका गणों में मेरा नाम का भी लिस्ट कर लो सेविका में, तो मेरा चौंक जाएगा मेरा तकदीर है। तब गणे गणो नाम विदेही मम नाम, हमारा जो नाम है, हे देवी हे दयामयी आपका जो लिस्ट है, आपका जो लिस्ट है खाते पे मेरा नाम को भी रजिस्टर कर लो, है तो नित्य पार्षद है फिर भी कह रहे हैं फिर भी कह रहे हैं ऐसा, मेरा नाम को अगर आप लिख तब गणे गणना तब गणे गण नाम दे, आपका गणों में मेरा नाम भी आ जाए तो कितार्थ हो जाए, तकदीर चौंक जाए, ऐसा कृपा करना, नहीं तो हम जीने वाला नहीं, हम तो मरेगा हैं देवी, मैं मरने वाला हूं, मैं मर रहा हूं, ऐसा कृपा करके दर्शन दे दो तो ठीक है, नहीं तो ऐसा करके जब बता रहे तबैव अस्मि न जीवामि त्वयं बिना इति विज्ञायो देवी नयो माम तब चरणांतिकम, कैसा बता रहे थे, कितना मैं दुखी हूं कि ये बात कह रहा हूं, तो तमाम दुनिया में किसका पास एक्चुअल डिमांड है और किसका पास फिक्टिटस डिमांड है। इकोनॉमिक्स में दो चीज आता है, एक है इफेक्टिव डिमांड, एफ है, यद्यपि मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, ठाकुर जी की इच्छा से जानता हूं, हमारा भैया बड़े भैया उसका किताब में पढ़ा था, जो इफेक्टिव डिमांड एंड फिक्टिटस डिमांड। एक उदाहरण दे के साफा करे, एक भिखारी है, दो दिन से खाया नहीं, अब मिठाई का दुकान के सामने खड़ा होकर देख रहा है और भूखे मर रहा है, ओह ये सब मिठाई अगर मेरा हाथ में आया तो खाता, इकोनॉमिक्स में कह रहा है कि इट इज नॉट इफेक्टिव डिमांड, क्योंकि उसका डिमांड है लेकिन पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, दुकानदार थोड़ी देगा। विद्यासागर, हमारा विद्यासागर जो हमारा भक्तिमोहन ठाकुर जिसका पास एडुकेशन किया है, विद्यासागर जी बचपन चल रहा था, ठाकुरदास एक दुकान के सामने खड़ा होके बहुत भूखा है, खड़ा होके पानी में, वो दुकान का दुकानदार जो है वो जो लेडीज थी वो समझ गई जो बड़ा भूखा है, तो उसका साथ साथ उसको दही चिड़ा खिलाई। ये हमने बचपन में पढ़ा विद्यासागर जी, तब से माताजियों के ऊपर विद्यासागर का बड़ा एहसान मानता है विद्यासागर, और जो भी है छोड़ो। ये उदाहरण जो है इफेक्टिव डिमांड का मतलब है, भिखारी का अंदर में डिमांड तो बेगार जो है उसका अंदर में डिमांड है लेकिन पैसा नहीं, खरीद नहीं सकता, तो ये इफेक्टिव डिमांड नहीं है। अब कोई पैसा वाला आदमी आया, आके पैसा भी है और डिमांड भी है, वो खरीद सकता है, खा सकता है, वो इसको इफेक्टिव डिमांड बोला गया। तो तीर्थ महाराज जी अपना छाती ठोक के कहते थे, बड़ा अच्छा लगता है मेरा, याद आता तो बड़ा आंसू आ जाता, चिल्लाते थे सभा का अंदर, किसी का अंदर में हिम्मत है तो आओ ये बोलो कि भगवान को मैं चाहता हूं, हिम्मत है तो आओ बोलो,
सालगाम चौक है, जब मैं भगवान को चाहता हूं तिलक माला लगा के बैठे हुए हूं, बोलो भगवान, किसी का हिम्मत नहीं, किसी का हिम्मत नहीं कि छाती ठोक के बोले कि भगवान तुमको चाहता हूं, कुछ नहीं चाहे। किसी ने मुस्कुरा के कहे, हम जो चर्चा किया महाराज वो तो भगवान को चाहता नहीं, लेकिन भगवान से तो कुछ चाहता है, भगवान से, भगवान को मांगता नहीं, भगवान से मांगता है, पैसा दो, ये दो, वो दो, फलाना, ये सब, ये व्यभिचार चल रहा है जो भी है। अगला दिन अगला सप्ताह चर्चा, ठाकुर जी का अगर इच्छा हो तो चर्चा हो पाएगा। आज यहाँ तक चर्चा को समाप्त रखने में मजबूर हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन अतिष्ठति, भ्रामयन सर्वभूतानि जंतु रूढ़ाणी मायाया, वांछा कल्पतरुवश्य के पास सिंधु भविष्य पतितानं पावन भविष्णभ्यो नमः।